हेलो, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक आनंद और हम लोग देख रहे हैं मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स को। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, मतलब कि डिफरेंशिएशन जो हम लोग यहां पढ़ रहे हैं, कैलकुलस का जो पार्ट पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, उसका कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है इकोनॉमिक्स में, ये आखिर अप्लाई कहाँ होता है, हम लोगों को ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है वो एक्चुअली में हमारा रेट ऑफ चेंज को बताता है कि एक वेरिएबल में अगर कोई बदलाव आ रहा है तो उसका दूसरे वेरिएबल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो कितना चेंज हो रहा है। जिससे कि हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हम लोग ये देखते हैं कि आखिर मार्जिनल चेंज क्या होता है, जिसको हम लोग सीमांत बदलाव भी, मार्जिनल को हम लोग सीमांत कहते हैं। तो वेरिएबल में क्या सीमांत बदलाव आ रहा है और इसका इकोनॉमिक थ्योरी में क्या एप्लीकेशन है, ये हम लोग समझेंगे। और हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसका प्रभाव बेसिकली तीन चीज़ों में देखेंगे, एक इलास्टिसिटी में हम लोग देखेंगे, कॉस्ट में, और रिवेन्यू पे इसका इकोनॉमिक थ्योरी में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। वहीं अगर हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करें या कॉस्ट को कम करने की, लागत को मिनिमाइज करने की बात करें, तो वहाँ पर भी हमारा डिफरेंशिएशन जो है काम आता है। उसके थ्रू हम लोग बता सकते हैं कि कहाँ पर कोई भी फर्म जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है, कितना आउटपुट और कितना प्राइस रखेगा तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, और कितना प्राइस और आउटपुट रखेगा जिसमें कि उसकी लागत जो है सबसे कम होगी। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन का इकोनॉमिक्स में काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है इस चीज़ का डिसीजन लेने में। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग क्या जानते हैं कि ये हमारा रेट ऑफ चेंज को बताता है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव tells us the rate of change, ठीक है। पहला क्या बताता है, हमारा रेट ऑफ चेंज बताता है, रेट ऑफ चेंज किसमें, हमारा वेरिएबल्स में जो रेट ऑफ चेंज होता है। तो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में हमारा जो चेंज होगा वो हमारा डिफरेंशिएशन बताता है, जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। और ये डिटरमाइन करता है मार्जिनल चेंज भी, जो कि किसी और वेरिएबल के कारण चेंज होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इट डिटरमाइंस द मार्जिनल चेंज मार्जिनल चेंज किसमें, हमारे वेरिएबल्स में जो मार्जिनल चेंज होता है, ठीक है। इट डिटरमाइंस द मार्जिनल चेंजेस इन वेरिएबल्स, और इसका काफी ज्यादा एप्लीकेशन कहां होता है, इकोनॉमिक थ्योरी में होता है। ठीक है, तो ये हमारा इसे समझ में आता है कि डिफरेंशिएशन जो होता है हमारा रेट ऑफ चेंज को बताता है, और ये किसी वेरिएबल में अगर चेंज आता है तो उसके कारण हमारा मार्जिनल चेंज जो आता है उससे हम लोग बता सकते हैं कि क्या क्या हमारा एप्लीकेशन है इकोनॉमिक वेरिएबल में। अब हम लोग अगर देखें कि इसका क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है, मतलब अगर रिवेन्यू की बात करें, अगर कॉस्ट की बात करें, तो इसको हम लोग किस तरह से कह सकते हैं। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लें, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर लेते हैं हम लोग, सबसे पहले रिवेन्यू को लेते हैं, ठीक है। तो रिवेन्यू में अगर सपोज हम लोग मान लेते हैं कि टोटल रिवेन्यू हमारा आर को डिनोट कर रहा है, ठीक है, तो बाय हम लोग लिख सकते हैं, अगर हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसका, टोटल रिवेन्यू का, अगर हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कि बाय डिफरेंशिएटिंग टोटल रिवेन्यू
अब टोटल रिवेन्यू को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, बाय डिफरेंशिएटिंग टोटल रिवेन्यू आर। अब हम लोग किससे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू आउटपुट, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू आउटपुट। और आउटपुट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आउटपुट को हम लोग कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। तो अगर हम लोग कैपिटल क्यू से डिनोट करेंगे तो जो हम लोग का डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा डी आर बाई डी क्यू। क्यों, क्योंकि हम लोग रिवेन्यू को डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। और यही हमारा किस चीज को डिनोट करता है, ये हमारा मार्जिनल रिवेन्यू को भी डिनोट करता है, ठीक है, ये हमारा डिनोट करता है मार्जिनल रिवेन्यू को। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं रिवेन्यू को, जो कि हम लोग आय कहते हैं, किसके एवज में, अगर आउटपुट से करते हैं तो हम लोगों को डी आर बाई डी क्यू आएगा, तो उसको हम लोग मार्जिनल रिवेन्यू भी कहते हैं। जैसे हम लोगों ने कंसेप्ट आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा मार्जिनल यूटिलिटी का, मार्जिनल कॉस्ट का, उसी प्रकार से रिवेन्यू में भी आप लोगों ने मार्जिनल रिवेन्यू पढ़ा होगा। तो ये है हमारा रिवेन्यू का। अब हम लोग आगे देखते हैं और एग्जाम्पल की कॉस्ट और इलास्टिसिटी में ये किस तरह से अप्लाई होता है। अब अगर हम लोग कॉस्ट की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग कॉस्ट का एग्जाम्पल लें, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग टोटल कॉस्ट को लेंगे, और टोटल कॉस्ट को किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, हम लोग आउटपुट के रिस्पेक्ट में लेंगे। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आउटपुट बढ़ाते चले जाते हैं, उत्पादन को बढ़ाते चले जाते हैं, वैसे वैसे हम लोगों को लागत भी बढ़ता चला जाता है उसको बनाने का। तो हम लोग यहां कह सकते हैं कि बाय डिफरेंशिएटिंग टोटल कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट को हम लोग अगर डिफरेंशिएट करें, और टोटल कॉस्ट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। और किसके रेस्पेक्ट में करना है, ये डिपेंड करता है कॉस्ट की, हमारा आउटपुट कितना बन रहा है, तो हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू आउटपुट करेंगे, कॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू आउटपुट, ठीक है। और आउटपुट को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, आउटपुट को हम लोग कैपिटल क्यू से डिनोट कर रहे हैं। तो जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे कॉस्ट को विद रेस्पेक्ट टू आउटपुट, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा मार्जिनल कॉस्ट, वी अराइव एट मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। और मार्जिनल कॉस्ट को हम लोग किस तरह से डिनोट करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट को जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये आएगा हमारा डीसी बाई डी क्यू। तो ये हमारा किसको डिनोट कर रहा है, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट को डिनोट कर रहा है। उसी प्रकार से जब हम लोग इलास्टिसिटी की बात करेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव जो है एक टूल है जो एक्सप्लेन करता है बहुत अलग सारे कॉन्सेप्ट्स को, जैसे इलास्टिसिटी को भी ये डिनोट करता है। तो हम लोग डेरिवेटिव के बारे में, उसके एप्लीकेशन के बारे में बात करें कि वो कहां इस्तेमाल होता है, तो हम लोग कह सकते हैं डेरिवेटिव एज ए टूल कैन बी यूज्ड, ठीक है, इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स में, यूज्ड इन वेरियस अदर कॉन्सेप्ट्स, जैसे हम लोग इलास्टिसिटी को भी ले सकते हैं। तो ये सब सारे चीजों में हम लोग का डिफरेंशिएशन जो है इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल होता है। अब हम लोग समझेंगे कि ये इलास्टिसिटी में किस तरह से होता है, और इसके कुछ एग्जांपल्स को हम लोग सॉल्व करके भी देखेंगे, जिससे कि हो सकता है कुछ क्वेश्चंस भी, न्यूमेरिकल्स भी पूछा जा सकता है। अब सबसे पहले जो हम लोग कंसेप्ट देखेंगे वो देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ा होगा, जिसे हम लोग हिंदी में लोच का सिद्धांत या मांग के लोच का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है, सबसे पहले हम लोग इसमें तरह तरह के इलास्टिसिटी होते हैं, जैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है जो कि कीमत पर निर्भर करता है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है,
और हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी होता है। तो यहाँ पर हम लोग सब बेसिक देखेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखेंगे, जो इलास्टिसिटी जो लोच जो है वो कीमत पर जब निर्भर करता है। तो जब हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिफाइन करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि वो रेशियो जो कि प्रोपोर्शनेट चेंज अगर डिमांड में हो रहा है किसके कारण, अगर प्राइस के कारण। तो बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है कि हमारे डिमांड में जो चेंज आ रहा है किस कारण से, प्राइस में चेंज के कारण, तो उसको हम लोग लोच कहते हैं, उसको हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, तो हम लोग लिख सकते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज द, तो यहां पर क्या डिफाइन करते हैं हम लोग, प्रोपोर्शनेट चेंज हो रहा है, ठीक है, किस चीज में, वैल्यू में, ठीक है। प्रोपोर कैन बी डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द रेशियो, रेशियो मतलब यहां पर हम लोग डिवीजन में देखते हैं, हम लोग वो सारा अभी समझ लेंगे कि क्या होता है प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनल, मतलब प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अनुपातिक, ठीक है, प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड, ठीक है, मांग में जो प्रोपोर्शनल चेंज हो रहा है। अब मांग में जो प्रोपोर्शनल चेंज हो रहा है वो किसके इसमें चेंज हो रहा है, हमारे प्राइस में जो चेंज हो रहा है उस कारण से। रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड टू द प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस, ठीक है, हम लोग देखते हैं प्राइस में कितना चेंज आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग हमारा डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, उसको हम लोग कहेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम लोग दो फंक्शन ले लें, एक्स को और पी को, एक्स को मान लेते हैं कि डिमांड है और पी अगर हमारा प्राइस है, तो एक्स में चेंज आएगा किसके कारण, प्राइस में चेंज आने के कारण, तो उसको हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कह सकते हैं। तो इसको हम लोग अगर एम्पिरिकली लिखना चाहें फॉर्म में, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि सपोज द डिमांड, और डिमांड को हम लोग क्या मान रहे हैं, डिमांड को हम लोग एक्स मान रहे हैं, तो डिमांड चेंजेस फ्रॉम एक्स टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स क्या होता है, ये बताता है चेंज को, ठीक है, कितना ये बढ़ा है या कितना घटा है, डेल्टा उस चीज को एक्सप्लेन करता है। तो अब ये चेंज कब होगा एक्स में, डिमांड में चेंज कब होगा, डिमांड में तब चेंज होगा जब हमारा प्राइस में चेंज होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं व्हेन प्राइस चेंजेस, ठीक है, प्राइस चेंजेस कहां से, फ्रॉम पी टू पी प्लस डेल्टा पी। अब डेल्टा पी जो है ये हमारा चेंज हो रहा है, ये बढ़ सकता है या घट सकता है। तो हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एम्पिरिकली या कहते हैं फॉर्मूला में हम लोग किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, ठीक है, अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, इसमें हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रोपोर्शनल चेंज हो रहा है उसका रेशियो हम लोग को निकालना है। तो हम लोग ऊपर में क्या लिखेंगे, ऊपर में क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्यूटी हम लोग लिख रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा है उसका प्रोपोर्शन, और डिवाइड किससे करेंगे, जो हमारा प्राइस में चेंज आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस,
ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला में इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसी को हम लोग और आगे किस तरह से लिखेंगे, केवल अगर हम लोग प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड रेट को लें तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एक्स, मतलब डिमांड में जो चेंज आया है और उसका इनिशियल जो था, और प्राइस में भी हम लोग सेम लिख सकते हैं डेल्टा पी बाई पी। अब इसको हम लोग अगर आगे एक्सटेंड करें तो किस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू पी बाई डेल्टा पी। तो आगे हम लोग लिख सकते हैं इसको पी बाई एक्स इंटू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा पी। तो ये हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्रेजेंट करता है, ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आ जाता है जिससे हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालते हैं। अब अगर हम लोग, अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ा होगा, तो वहां पर कई तरह के इलास्टिसिटी होते हैं जिसको हम लोग निकालते हैं, और ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है हमारा पॉइंट इलास्टिसिटी निकालने का। तो जब हम लोग पॉइंट इलास्टिसिटी निकालने की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर निकालने की बात करते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ईडी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू प्राइस डिवाइडेड बाई डिमांड इंटू चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाई चेंज इन प्राइस। अब इसे हम लोग और आगे देखते हैं और किस तरह से हम लोग इसके सवाल को सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। अब अगर हम लोग याद करें लॉ ऑफ डिमांड को, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि वो जैसे प्राइस इंक्रीज होता है वैसे ही हमारा डिमांड जो है वो कम हो जाता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, When price increases, ठीक है, price अगर increase हो रहा है तो इसका मतलब है change आ रहा है, तो delta P यहां पर क्या होगा, delta P is positive, यहां positive हो जाएगा। तो जब हमारा law of demand कह रहा है कि price जब increase होगा तो demand क्या होगा, demand decreases, डिमांड डिक्रीज होने का मतलब है कि हमारा जो x हम लोग डिमांड को मान रहे हैं, x हमारा निगेटिव हो जाएगा। कौन सा x हो जाएगा, डेल्टा x जो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, इसका मतलब हम लोग जब इलास्टिसिटी इसका निकालेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, निगेटिव में आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस P by X into DX by DP. अब DX by DP हम लोग किसको लिख रहे हैं, डेल्टा X by डेल्टा P को हम लोग DX by DP भी लिख सकते हैं। ये हम लोगों ने पहले भी देखा है, क्योंकि डेल्टा हमारा चेंज को बताता है और डिफरेंशिएशन भी हमारा रेट ऑफ चेंज को बताता है, तो ये हमेशा हमारा निगेटिव निकल कर आएगा। लेकिन जब भी हम लोग यहां पर लेंगे तो हम लोग एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि द एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू, एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू इज टेकन। अब एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू क्या होता है, इसका मतलब होता है कि उसका जो भी आंसर आएगा वो हम लोग हमेशा पॉजिटिव में लेंगे। तो जब पॉजिटिव में लेना होगा तो हम लोग को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या करना होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग को ईडी को डिनोट करना होगा मोड में, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज डिनोटेड एस मोड ईडी, मोड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब है कभी भी इसका जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा पॉजिटिव में आएगा। तो हम लोग फिर इसको लिख सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोड इज इक्वल टू पी बाई एक्स इंटू डी एक्स बाई डी पी, ठीक है, ये हमारा वैल्यू आता है। लेकिन चूंकि हमारा हमेशा निगेटिव में आता है वैल्यू, तो यहां पर अगर केवल हम लोग ईडी भी लिखें इज इक्वल टू पी बाई एक्स इंटू डी एक्स बाई डी पी, तो भी यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इस तरह मान के लिख सकते हैं
क्यों? क्योंकि हम लोग यहां क्या कर रहे हैं, ईडी यूज कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ मॉड ईडी, ठीक है, ये अंडरस्टूड है। हम लोग इकोनॉमिक्स में कभी भी जब इलास्टिसिटी का वैल्यू निकालते हैं तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, हालांकि वो हमारा मैक्सिमम टाइम अगर लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बात करेंगे और प्राइस के बारे में बात करेंगे तो वो निगेटिव में ही आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपका क्लियर होगा कि ये फॉर्मूला किस तरह से होता है इलास्टिसिटी का, हालांकि वो निकलता तो निगेटिव में है बट हम लोग उसके वैल्यू को पॉजिटिव में लिखते हैं, ठीक है। अगर कहीं स्पेसिफिकली आप लोगों को पूछा जाए पॉजिटिव निगेटिव तभी हम लोग उसका निगेटिव में वैल्यू देते हैं। तो अब यहां पर dx by dp हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि ये क्या है, ये डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव किस चीज का है, यहां पर डिमांड फंक्शन का डेरिवेटिव है और विद रिस्पेक्ट टू प्राइस है, मतलब प्राइस में अगर चेंज होगा। अब यहां पर इस तरह का अगर dx by dp दिया हुआ है, ठीक है, तो dx by dp है तो इसका मतलब इसका फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन होगा x इज इक्वल टू एफ पी, मतलब x जो है वो फंक्शन है p का, x डिपेंड कर रहा है किस पे, प्राइस पे डिपेंड कर रहा है, अगर प्राइस में चेंज हो जाएगा तो ही x में चेंज होगा जो कि डिमांड है हमारा। तो उम्मीद है यहां तक क्लियर होगा। अब इसको और आगे बढ़ाते हुए, अब चूंकि हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला आया है ED इज इक्वल टू वो आया है हमारा P बाई एक्स इंटू डी एक्स बाई डी पी, ठीक है। तो हम लोग इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी पी डिवाइडेड बाई एक्स बाई पी, हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो अब ये dx by dp हम लोगों को क्या डिनोट कर रहा है, हम लोगों को डिनोट कर रहा है मार्जिनल क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, क्या डिनोट कर रहा है ये मार्जिनल क्वांटिटी डिमांडेड, मार्जिनल क्वांटिटी डिमांडेड। और ये हमारा क्या डिनोट कर रहा है x by p, ये हमारा एवरेज क्वांटिटी डिमांडेड डिनोट करता है, याद रखिएगा एवरेज क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो x by p मतलब अगर हम लोग डिमांड को प्राइस से डिफर कर दें तो वो हम लोगों को बता देगा, हालांकि यहां पर हम लोगों को निगेटिव में आता वैल्यू, ठीक है, लेकिन हम लोग जब मॉड लगा देते हैं या हम लोग मॉड नहीं भी लगाए मॉड लगा देते हैं तो क्या होगा, ये निगेटिव का वैल्यू खत्म हो जाता है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि मॉड लगा दें, या मॉड अगर इंस्टेड ऑफ मॉड अगर ईडी केवल यूज करना है तो वहां पर भी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं कि कभी भी आंसर निकालते हैं इलास्टिसिटी का तो वो हम लोग पॉजिटिव में ही लेकर निकालते हैं, ठीक है। तो ये इलास्टिसिटी के बारे में था कि किस तरह से कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, कैसे हम लोग मार्जिनल निकालते हैं, किस तरह से हम लोग एवरेज निकालते हैं, और इलास्टिसिटी अगर हम लोग को निकालना है तो किसी भी फंक्शन का अगर हम लोग मार्जिनल और एवरेज निकाल दें तो उससे भी हम लोगों को इलास्टिसिटी निकल कर आ जाएगा। और इलास्टिसिटी का अगर आप लोग कंसेप्ट को याद करिएगा तो वहां पर हम लोगों का पांच तरह का इलास्टिसिटी होता था, परफेक्टली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक, जो कि वैल्यू पर डिपेंड करता था कि इलास्टिसिटी का वैल्यू वन है, वन से बड़ा है, वन से छोटा है, जीरो है या इन्फिनिटी है। तो उन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप लोग एक बार देख लीजिएगा और उसी बेसिस पे हम लोग यहाँ कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या वो रिलेटिवली इलास्टिक है, क्या वो इन इलास्टिक है या वो यूनिटरी इलास्टिक है। तो हम लोग कुछ सवालों को देखते हैं एज ए एग्जाम्पल, जिससे कि आप लोगों को सॉल्व करने में क्वेश्चन अगर आते हैं इस टॉपिक से तो आप लोगों को आसानी हो। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी इफ द डिमांड फंक्शन इज एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस 4p प्लस पी स्क्वायर, और हम लोगों को दिखाना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा जब प्राइस इज इक्वल टू 8 है और जब प्राइस इज इक्वल टू 5 है, तब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि गिवन क्या है, गिवन है हमारा फंक्शन x इज इक्वल टू 25 माइनस 4p प्लस पी स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 25 माइनस 4p प्लस पी स्क्वायर। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग जो अभी तक हम लोगों ने देखा है उस हिसाब से अगर हम लोग मार्जिनल
फंक्शन को डिवाइड कर दें एवरेज फंक्शन से, तो हम लोगों का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस फंक्शन का निकल कर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मार्जिनल फंक्शन निकालते हैं। तो मार्जिनल फंक्शन क्या होगा, मार्जिनल फंक्शन ये हमारा हो जाएगा dx by dp, ठीक है, dx by dp। तो इसको हम लोग प्राइस के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो d by dp और x हमारा क्या है, x है हमारा 25 माइनस 4p प्लस p स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोगों ने डिफरेंशिएशन आप लोगों ने सीख चुक लिया है, अब इसको क्या करेंगे, 25 को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हमारा कांस्टेंट है तो ये जीरो हो जाएगा, माइनस 4p को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस 4 बचेगा, और प्लस p स्क्वायर को करेंगे तो 2 आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2p और 2 माइनस 1 1 बचेगा, तो माइनस 4 प्लस 2p हमारा मार्जिनल फंक्शन निकल कर आ जाएगा। और एवरेज फंक्शन अगर हम लोग निकालें तो एवरेज फंक्शन होता है हमारा x by p, डिमांड डिवाइडेड बाय प्राइस। तो डिमांड हमारा कितना कितना है, 25 माइनस 4p प्लस p स्क्वायर डिवाइडेड बाय p। तो हम लोग इसको लिख सकते, इसको हम लोग इसी प्रकार से जाने देते हैं, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हम लोगों ने देखा है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, dx by dp डिवाइडेड बाई एक्स बाई पी, ये भी हमारा फॉर्मूला होता है जब हम लोग मार्जिनल और एवरेज के हिसाब से चलते हैं। तो डी एक्स बाई डी पी की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस 4 प्लस 2p डिवाइडेड बाई एवरेज की जगह पर हम लोग इस पूरे एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 4p प्लस p स्क्वायर डिवाइडेड बाई p। तो अगर हम लोग इसको आगे लेके चले तो p को हम लोग ऊपर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जाए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 4p प्लस 2p इंटू p डिवाइडेड बाई आ जाएगा 25 माइनस 4p प्लस p स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा। अब इसको आगे अगर हम लोग करें तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 2p स्क्वायर माइनस 4p डिवाइडेड बाई 25 माइनस 4p प्लस p स्क्वायर, ये हमारा इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस डिमांड फंक्शन का निकल कर आ जाएगा। अब हमारा दूसरा पार्ट क्वेश्चन का क्या है, ये पूछ रहा है कि इलास्टिसिटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, इलास्टिक होगा, इन इलास्टिक होगा, जब प्राइस इज इक्वल टू 8 है और जब प्राइस इज इक्वल टू 5 है, तो ये अगर हम लोगों को देखना होगा। तो अब हम लोग सपोज प्राइस इज इक्वल टू 8 कर देते हैं, ठीक है। अगर हम लोग कर रहे हैं कि इफ प्राइस इज इक्वल टू 8 है तब क्या होगा, तो प्राइस इज इक्वल टू 8 है तो सिंपल हम लोग क्या करना है, यहां पर इस वैल्यू पे हम लोगों को पी की जगह पर 8 को पुट अप कर देना है, तो क्या होगा हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हो जाएगा 2 इंटू 8 का स्क्वायर, क्योंकि p दिया हुआ है तो p की जगह पर हम लोग क्या पुटअप करेंगे, 8 को पुटअप करेंगे, माइनस 4 इंटू 8 तो डिवाइडेड बाई 25 माइनस 4, 4 इंटू p की जगह पर क्या होगा 8 हो जाएगा, प्लस p स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 8 स्क्वायर हो जाएगा हमारा 8 इंटू 8 64, 64 इंटू 2 128, ठीक है, 128 माइनस 4 इंटू 8 32 डिवाइडेड 25 माइनस 32, 8 इंटू 4 32 और प्लस 64, प्लस 64, तो 128 में माइनस 32 करते हैं अगर, तो हमारा 96 आता है, 96 डिवाइडेड बाई माइनस 32 और प्लस 64, 32 बचेगा, 32 प्लस 25 57, ठीक है, तो 96 बाई 57 आता है। और जब इसको हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 1.7। तो जब 1.7 आ रहा है तो इलास्टिसिटी को हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं, यहाँ इलास्टिसिटी क्या है, ग्रेटर देन 1 है। जब इलास्टिसिटी हमारा ग्रेटर देन 1 होता है तो हम लोग क्या कहेंगे, डिमांड इज, हम लोग कहते हैं डिमांड इज इलास्टिक, ठीक है,
जब हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन वन होगा तो ये क्या होगा, इलास्टिक होगा। तो हम लोग कहते हैं यहाँ कि डिमांड इज इलास्टिक कब, जब प्राइस हमारा 8 के बराबर होगा तब। अब हम लोग देखते हैं कि जब प्राइस हमारा 5 होगा तब कौन सा इलास्टिसिटी यहां पर होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर प्राइस हमारा 5 है, इफ प्राइस इज इक्वल टू 5, तो हम लोग क्या करेंगे, वापस से उसी एक्सप्रेशन पर हम अपना 5 पुट अप कर देंगे। तो हमारा क्या था एक्सप्रेशन, 2p² - 4p डिवाइडेड बाई 25 - 4p प्लस p². तो हर p की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, 5 को पुट कर देंगे। तो 2 × 5² - 4 × 5 डिवाइडेड बाय 25 - 4 × 5 प्लस 5² तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 25 × 2 = 50 माइनस 4 × 5 = 20 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 25 - 4 × 5 = 20 और प्लस 25। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 50 - 20 = 30 हो जाएगा और यहां 25 + 25 = 50, 50 - 20 = 30। ठीक है, ये भी 30 हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। तो यहां पे इलास्टिसिटी हमारा कितना निकल कर आ रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। और जब हम लोग का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 होता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि डिमांड जो है वो यूनिटरी इलास्टिक है। तो हम लोग क्या कहेंगे, डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी इलास्टिसिटी हमारा इक्वल टू 1 होता है तो वो क्या होता है, वो यूनिटरी इलास्टिक होता है। मतलब जितना प्राइस में चेंज आएगा उतना ही सेम प्रोपोर्शन में हमारे डिमांड में भी चेंज आएगा जब यूनिटरी इलास्टिक होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट सवाल जो दिया हुआ है वो है कि इफ द डिमांड इज, डिमांड का फंक्शन दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू 10 / p + 1 देन फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट p इज इक्वल टू 2। तो हमारा जब डिमांड फंक्शन एक्स इज इक्वल टू 10 / p + 1 दिया हुआ है तो हम लोगों को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है जब प्राइस इज इक्वल टू 2 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको, हम लोग इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्राइस की जगह पर 2 को पुट कर देंगे और फिर देखेंगे कि हमारा क्या आंसर निकल कर आता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को देखा है कि किस तरह से निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारा x गिवन है तो इसके इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या है हमारा, 10 / p + 1। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग डिनोमिनेटर को ऊपर भी लेकर जा सकते हैं, बस क्या होगा उसका एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 p + 1 to the power - 1। मतलब इसको अगर हम लोग ऊपर लेकर जाएं तो क्या होगा, इसके पूरे का एक्सपोनेंट का सिंबल चेंज हो जाएगा जो कि -1 से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। अब हम लोगों को क्या होगा कि इसको डिफरेंशिएट करने में आसानी होगी। अब हम लोग का इलास्टिसिटी क्या है, फॉर्मूला इलास्टिसिटी है हमारा अब हम लोग इलास्टिसिटी का फॉर्मूला जानते हैं क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू dx / dp × p/x। ठीक है, तो dx / dp, तो x इज इक्वल टू के जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको d/dp ये हम लोग लिख सकते हैं x की जगह पर, जो कि है 10 p + 1 / -1 × p/x। तो x यहां भी क्या है, x यहां पर भी 10
ब्रैकेट पी प्लस वन टू द पावर माइनस वन होगा। अब यहां पर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग क्या होगा, माइनस वन यहां कर इनटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस टेन और पी प्लस वन पर पावर चला जाएगा माइनस वन और माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा। माइनस टू कैसे आया यहां पर, और एक माइनस वन जब चला जाता है तो ये माइनस टू हो जाएगा, और इंटू क्या है इंटू पी डिवाइडेड बाय टेन इंटू पी प्लस वन टू द पावर माइनस वन। तो यहां पर टेन टू द पावर पी प्लस टेन टू द पावर माइनस वन हो गया। अब ये क्या हुआ, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम लोग इसके लिख सकते हैं, ये माइनस वन है, अगर ये पूरा कट जाता है तो ये कट जाएगा हमारा टू, केवल पी प्लस वन बचेगा, तो पी प्लस वन इंटू पी। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग पी की जगह पर हम लोग टू को लिख सकते हैं, ठीक है, यहां पर माइनस वन बचा है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं पी डिवाइडेड बाई पी प्लस वन। अब इसको जब हम लोग नीचे ले आएंगे डिनोमिनेटर में, तो इसका माइनस वन क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा। तो P की जगह पर हम लोग को क्या लेना है, P की जगह पर हम लोगों को 2 लेना है, तो P की जगह पर 2 रख लेते हैं, 2 और 2 प्लस 1 तो 2 बाय 3, अब 2 बाय 3 डिवाइड करेंगे 2 को 3 से, तो ये हमारा आएगा 0.666 इस प्रकार से आता जाएगा, जिसको हम लोग 0.67 भी लिख सकते हैं। तो हमारा यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगा वो कितना आएगा, ये सारा माइनस में है, तो जब हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग मॉड में लिखते हैं तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 0.67, ठीक है, कब, जब हमारा प्राइस इज इक्वल टू 2 होगा। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इस प्रकार का सवाल आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारा नेक्स्ट जो कंसेप्ट है इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, तो ये है हमारा टोटल एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली देख रहे हैं कंसेप्ट कॉस्ट का। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, कि मार्जिनल कॉस्ट जो होता है वो जब भी टोटल कॉस्ट में कोई भी एडिशन होता है, जब भी हम कोई एक नया प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम लोग मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये चेंज रिप्रेजेंट करता है टोटल कॉस्ट में। तो हम लोग लिख सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट रिप्रेजेंट्स द चेंज, ठीक है, रिप्रेजेंट्स द चेंज इन, किसमें चेंज रिप्रेजेंट करता है, इन टोटल कॉस्ट, ठीक है, रिप्रेजेंट्स द चेंज इन टोटल कॉस्ट, और किसके कारण, जब हम लोग कोई भी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन का करते हैं, फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जब भी कोई इकाई का उत्पादन हम लोग बढ़ाते हैं तो उसके कारण जो हमारा टोटल कॉस्ट में चेंज आता है उसको हम लोग मार्जिनल कॉस्ट या सीमांत लागत कहते हैं। अब हम लोग मान लेते हैं कि सपोज कि टोटल कॉस्ट को हम लोग सी से डिनोट करते हैं और आउटपुट को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि लेट अस एज्यूम That total cost, किससे डिनोट कर रहे हैं हम लोग, कैपिटल सी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, टोटल कॉस्ट सी इज रिप्रेजेंटेड एज ए फंक्शन, ठीक है, अगर एज ए फंक्शन हम लोग टोटल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि कितना आउटपुट हम लोग निकाल रहे हैं, कितना हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना उत्पादन कर रहे हैं। तो हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं सी इज द फंक्शन ऑफ आउटपुट, मतलब आउटपुट का अगर हम लोग प्रोडक्शन, अगर हम लोग उत्पादन बढ़ाते हैं तो हम लोगों का कॉस्ट बढ़ेगा, और अगर हम लोग उत्पादन को घटाते हैं तो हमारा लागत जो है वो घटेगा। तो जब हम लोग चेंज इन टोटल कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो डेल्टा सी जो है हमारा क्या करेगा,
रिप्रेजेंट ये करेगा चेंज इन कॉस्ट, ठीक है, चेंज इन टोटल कॉस्ट या चेंज इन कॉस्ट। और अगर हम लोग डेल्टा क्यू की बात करें तो ये हमारा डिनोट करेगा चेंज इन क्वांटिटी को, ठीक है। यहां तक उम्मीद है क्लियर होगा आप लोगों को। अब हम लोगों को सपोज देखना है कि टोटल कॉस्ट में क्या चेंज हो रहा है अगर हम लोग आउटपुट में कोई चेंज कर रहे हो तो वो चेंज को हम लोग किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, डेल्टा सी बाई डेल्टा क्यू। और डेल्टा सी बाई डेल्टा क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी सी बाई डी क्यू भी लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। और इसी को डी सी बाई डी क्यू को ही हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, सीमांत लागत। इसी डी सी बाई डी क्यू को जो हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं इसको हम लोग मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। अब हम लोग मार्जिनल कॉस्ट को क्या कह सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट डेरिवेटिव है हमारे टोटल कॉस्ट फंक्शन का। तो इसका मतलब मार्जिनल कॉस्ट हम लोग इसके बारे में और क्या लिख सकते हैं, इट मींस इट इज फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। हम लोग डीसी बाई डी क्यू से हम लोग समझ सकते हैं कि ये क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव। किसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, कॉस्ट फंक्शन का, ऑफ टोटल कॉस्ट फंक्शन। तो इससे हम लोगों को समझ में आया जा रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है टोटल कॉस्ट फंक्शन का। तो मार्जिनल कॉस्ट हमारा क्या है, डीसी बाई डी क्यू है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये किससे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डीसी बाई डी क्यू। और वहीं अगर हम लोग एवरेज कॉस्ट की बात करें तो एवरेज कॉस्ट हम लोग किस तरह से करेंगे, एवरेज कॉस्ट हो जाएगा हमारा कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी। तो ये दो फॉर्मूले पे हम लोग यहाँ पर कॉस्ट फंक्शन के कुछ सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सवाल दिया हुआ है कि सपोज कॉस्ट फंक्शन इज गिवन एज, हम लोगों को कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ है सी इज इक्वल टू क्यू क्यू माइनस थ्री क्यू स्क्वायर प्लस 15 क्यू प्लस 25। अब ये q क्या डिनोट कर रहा है, q हमारा आउटपुट डिनोट कर रहा है और c हमारा कॉस्ट फंक्शन को डिनोट कर रहा है। और हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को एवरेज कॉस्ट निकालना है और मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। और इसके फॉर्मूले को हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। अब अगर हम लोग इस फंक्शन को देखें तो आप लोगों ने जब कॉस्ट पढ़ा होगा तो आप लोग अगर याद कीजिए तो वहां हम लोगों ने दो कंसेप्ट पढ़ा था, एवरेज कॉस्ट सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो ये 25 चूंकि हमारा कांस्टेंट है तो फिक्स्ड कॉस्ट भी हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो 25 यहां क्या डिनोट कर रहा है, हमारा फिक्स्ड कॉस्ट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका निकालते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा और एवरेज कॉस्ट क्या होगा। तो मार्जिनल कॉस्ट हम लोग जानते हैं क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा टोटल कॉस्ट का फर्स्ट डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा डीसी बाई डी क्यू। अब क्या होगा, डी बाई डी क्यू सी की जगह पर इस वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे तो क्यू क्यू माइनस थ्री क्यू स्क्वायर प्लस 15 क्यू प्लस 25। तो इसको जो डेरिवेटिव निकालेंगे जो वैल्यू आएगा वो हमारा मार्जिनल कॉस्ट निकल कर आ जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 3 × q 3q माइनस 1 हो जाएगा स्क्वायर माइनस 2 × 3 6q 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस 15 1 इधर आ जाएगा। तो 15 और 25 कांस्टेंट हम लोग जानते हैं, कांस्टेंट का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका वैल्यू 0 होता है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 3q² - 6q + 15। अब नेक्स्ट है हमारा एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होगा, एवरेज कॉस्ट हमारा हम लोगों ने देखा है सी डिवाइडेड बाई क्यू होगा। तो सी का वैल्यू क्या है, क्यू क्यू माइनस 3q² प्लस 15q प्लस 25 डिवाइडेड बाई हमारा हो जाएगा क्यू। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू क्यू को अगर क्यू से डिवाइड करें तो क्यू स्क्वायर माइनस 3q² को क्यू से करेंगे तो 3q 15q को करेंगे तो केवल 15 बचेगा और प्लस 25 डिवाइडेड बाई क्यू। तो ये हमारा एवरेज कॉस्ट निकल कर आ जाएगा, ठीक है, और ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट। तो यहां पर इस प्रकार से हम लोग इसको इस प्रकार के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिलेशनशिप देखेंगे कि एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट कर्व का क्या रिलेशनशिप होता है और डिफरेंशिएशन के थ्रू उसको हम लोग किस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं कि जो रिलेशनशिप हम लोगों ने पढ़ा है थ्योरेटिकली वो सही है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।